बच्चों यस सर। लासा क्या होता है? सीख गए? यस सर। सीख गए ना? यस सर। तो आइए उस सीख को और आगे बढ़ाते हैं। आइए सीखते हैं और कैसे निकाले जाएंगे, अभ्यास करते हैं। पांच और दस का हम लासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पांच दस का। ठीक है, तो पहला काम आप क्या करेंगे? पांच के अपवर्त निकालते हैं। पांच के अपवर्त निकाल लेते हैं। पांच के अपवर्त कौन कौन से हैं? चलो बताओ, पांच के अपवर्त बताओ। पांच का पांच, पांच दून दस, पांच तेईस पंद्रह, पांच चौबीस, पचास पच्चीस, पांच छत्तीस। बस छह तक निकाल देते हैं। ठीक, यस। उसके बाद दस के अपवर्त, दस के अपवर्त निकाल देते हैं। बताइए, दस तैतीस, दस चौचालीस, दस साठ। ठीक, आपने अपवर्त लिख दिया। ठीक है? यस सर। अपवर्त मीन्स क्या होता है? मल्टीपल। अब हम इसमें समान अपवर्त निकालते हैं, माने कि हम निकालते हैं सीएम, कॉमन मल्टीपल। समान अपवर्त निकालने जा रहे हैं, कॉमन मल्टीपल। अब एक जैसे कौन कौन से हैं दोनों पहाड़ों में, बताओ। एक जैसे क्या क्या है? दस, दस है, बीस, बीस है, और तीस, तीस। ये सब आपके क्या है? समान है। जो समान है उनको हम लिख देते हैं दस, बीस, ये समान है ना? निकाल क्या रहे हैं आप? एलसीएम, लासा निकाल रहे हैं ना? यस सर। तो लासा में क्या किया जाता है? हमारे पास जितना अपवर्त रहेंगे एक जैसे वाले, मतलब कॉमन मल्टीपल जितने रहेंगे, उसमें क्या लिया जाता है? कौन सा लिया जाएगा? छोटा वाला लिया जाता है, लीस्ट, लघु। जो सबसे छोटा रहेगा वही तो लिया जाएगा। यस सर। तो एलसीएम, एल मतलब लिस्ट, लिस्ट मतलब छोटा। छोटा आपका क्या है इसमें? क्या है? दस। जो सबसे छोटा होगा वही तुम्हारा क्या होगा? जो सबसे छोटा होगा वही तुम्हारा क्या होगा? वही क्या होगा तुम्हारा? एलसीएम होगा। क्या होगा? लासा होगा। ठीक है, तो पांच व दस का, पांच व दस का लासा क्या है बच्चों? बोलो क्या आया? पांच व दस का लासा कितना आया? दस। दस। इस तरह लासा निकाला। ठीक है, सीख गए ना? आप निकालोगे ना? यस सर। ओके।